जिंदगी गुजारना है तो आमिर लियाकत की तरह गुजारिए, वरना जी तो कैप्टन सफदर भी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं अल्लाह सुबहान व तआला की बारगाह में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। जिन मुश्किलात, परेशानियों, तकालीफ और दुखों से गुजरे अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। जो मसाइब देखे, जिन तकालीफ का सामना किया, जो दर्द सहा, जिस तरह अपने आप को महफूज व मामून अल्लाह की मदद और इस्तेआनत से रखा, फिर दुआ गूँ कि अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। और इस बात पर भी ये कहना चाहूँगा कि लोगों के ताने, तिशने, बेहूदा गोइयाँ, खास करके किनायों और इस्तियारात से बदनाम करने की कोशिश करना अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाए। अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाए, कामयाबी अता फरमाए और गैब से मदद फरमाए। आमीन सुमान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दानिया अमर ने डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन से डिवोर्स लेने के लिए अदालत में रजू करते वक्त बताया था कि वो नशा करता है, जिसको साबित करने के लिए उसने डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के बेडरूम की एक ऐसी बेहुदा वीडियो जारी की है जिसमें डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है और नशे वाली चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। नाजरीन, दानिया अमर को यह सबूत सिर्फ और सिर्फ अदालत को दिखाना चाहिए था। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।